हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक्सरसाइज करते हैं 4.4, जिसके अंदर केवल और केवल 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोथ आर सेम, दोनों ही क्या है, सेम है। तो इसमें से एक मैं कर लेता हूँ, एक आप खुद ट्राई करना। तो क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल डीएफ DEEAAR एंगल ई एंगल ए गिवन है अपन को। तो स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट ड्रॉ ए रफ स्केच क्वाड्रिलेटरल डियर डियर क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच बनाना है, जिसके अंदर अपन को डीई दिया हुआ है डीई, और ई पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और ए पे एंगल दे रखा है अपन को 90 डिग्री। और इनको मेज किया हुआ है, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री। पहले तो इसको नाम दे देते हैं DEAR। तो DE दे रखा है 4 सेंटीमीटर और E दे रखा है 60 डिग्री, A दे रखा है 90 डिग्री, और EA दे रखा है अपन 5 सेंटीमीटर और AR दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया अपना रफ डायग्राम। अब फेल डायग्राम के लिए क्या करते हैं, स्टेप सेकंड से शुरू करते हैं। स्टेप सेकंड ड्रॉ ए लाइन DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी एक लाइन बनाई DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर DE 4 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप थर्ड, एज सेंटर ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने प्रोटेक्टर से एंगल बनाए थे, और इसमें किससे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो सेंटर ई लिया है उस पर रखेंगे अपना जो कंपास की एक सुई को, और बिल्कुल ऐसे अपन काट देंगे। अब बिल्कुल बिना हिलाए इसको यहाँ पे रखेंगे और ऐसे काट देंगे। अब ये जो फर्स्ट होता है वो 60 डिग्री का होता है, और जो सेकेंड होता है वो 120 डिग्री का होता है, जबकि अपन को कितने डिग्री का लेना है, केवल और केवल 60 डिग्री का लेना है। तो 60 डिग्री का लेना है, तो स्टेप फोर होगी अपनी ईए इक्वल टू ड्रॉ लाइन ईए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पासिंग विद एंगल 60 डिग्री, यानी एंगल 60 डिग्री से अपन की जो लाइन है वो पास होनी चाहिए। और साइज किसकी है, ये बहुत ज़्यादा होगी, इसको 4 सेंटीमीटर यही ले लेते हैं, तो ये होगी अपनी 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, सबसे पहले यहाँ रुकूंगा और बिल्कुल ऐसे सर्किल काट, जो फर्स्ट होगा वो मेरा 60 का, और जो सेकंड होगा वो कितना, 120 का, और 60 और 120 के बीच में जो आएगा वो होगा, अब मैं यहाँ पे रखूंगा एक आर्क इधर और यहाँ पे रखूंगा एक आर्क इधर। अब जो मेरा ये एंगल आया, ये एंगल मेरा है 90 डिग्री का, और इसकी लेंथ मेरे को दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। और इसको नाम दे दिया आर। तो स्टेप 5 ड्रॉ एन एंगल कस्टू 90 डिग्री
at A with the help of protractor, compass. एंगल बना लिया, इंक्रीज लाइन थ्रू 90 डिग्री, ए आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. स्टेप 6, मेच ऑल द पॉइंट्स. लास्ट हो गया 10, द क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, बियर, डीई ए आर कंस्ट्रक्टेड. दस द क्वाड्रिलेटरल बियर कंस्ट्रक्टेड, ये काम अपन को करना था. और ये होगी अपनी एक्सरसाइज 4.4. ओके, थैंक यू.